हेलो 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 ब्यूटीफुल पीपल, आ गई है 15 तारीख। और 15 तारीख का बहुत दिनों से जैसे बहुत लोगों को इंतजार था जो भी एडीबी राइडर है, क्योंकि आज रिलीज हो रही है स्क्रैम्बल 411। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कितना खूबसूरत सा कलर है। बाकी अपन शोरूम में जाके बात करते हैं और दिखाते हैं। और जो भी चैनल में नया है और जो पहली बार देख रहा है स्क्रैम्बल की कंपेरिजन वीडियो हिमालयन से, तो बेसिकली मैं बता दूं कि मैं हूं एक हिमालयन ओनर 2021 और BS6 मॉडल है ये। और ये मेरा YouTube चैनल है, और आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, राइड्स मिलेंगी और ट्रैवल व्लॉग्स भी मिलेंगे, एक्सप्लोर करने के लिए भी मिलेंगे। और भाई जो जबलपुर से है ना, उसको मुबारक हो, आखिरकार हमारे यहाँ ये जो गोरा बाजार से लेके एकता मार्केट तक का जो लाइटें लगनी थी वो फाइनली लग गई है और चालू हो गई है। तो इसी बात पे तालियां। तो फाइनली अपन पहुंच गए हैं शोरूम, और कैसा लगा सिनेमैटिक ये आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत ही जल्दी इसकी टेस्ट ड्राइव भी मिलने वाली है, तो टेस्ट ड्राइव लेते ही आप लोग को फिर से एक वीडियो मिलेगा और कंपैरिजन का रहेगा वो हिमालयन के साथ, क्योंकि दोनों गाड़ियों को एक साथ रन करेंगे हम। और अभी जो है इसके फीचर्स कुछ देखते हैं कि क्या कैसा है, और जो भी रहेगा वो एज़ कंपैरिजन टू हिमालयन ही रहेगा, क्योंकि जो बेस मॉडल है वो हिमालयन ही है, हिमालयन ही इसका ओरिजिन है। तो चलो आगे बताता हूँ। तो ये पहले जैसे हमने बात करी, अगर इसके रिम की बात करें तो 1990 का रिम डल गया है। तो इसका जो टायर का साइज़ है वो छोटा हो गया, और यहाँ पे मड फ्लैप है वो डबल मड फ्लैप नहीं है, और ये प्लास्टिक है पूरा का पूरा। यहाँ पे जो टैंक ग्रिल रहती है वो टैंक ग्रिल यहाँ से निकाल दी गई है। यहाँ पे हिमालयन की बैजिंग की जगह स्क्रैमल 411 बैजिंग दी गई है, और ये भी प्लास्टिक मटेरियल है। साइलेंसर सेम वही हिमालयन का है। उसका गार्ड भी अच्छा, पूरा फुल साइज गार्ड है। एग्जॉस्ट बेंड की जो एल्यूमिनियम कवरिंग है वो भी हिमालयन की तरह ही दी गई है, और उसका बेंड की साइज भी पूरी की पूरी वही है। कैटलेटिक कन्वर्टर जो है थोड़ा छोटा कर दिया गया है एज कम्पेयर टू BS6, और बाकी इंजन तो पूरा का पूरा बस वही है, 410 की जगह 411 कर दिया गया है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये भी एक रेडिएटर ग्रिल है, उतनी ही बड़ी रेडिएटर ग्रिल है जितनी बड़ी हिमालयन में रहती है। और ये एयर कूल्ड इंजन है, अभी भी इसमें ऑयल कूल्ड इंजन नहीं आया है, और ये इसका सम गार्ड भी उतना ही है। अब बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। तो पहले जो ग्राउंड क्लियरेंस था उससे बहुत कम कर दिया गया है, लेकिन जैसे कि अभी तक का रिव्यू आया है उसमें कहीं पर भी टच वगैरह नहीं हो रहा है मडपॉट पे। साड़ी गार्ड गाड़ी के साथ ही आता है। जो सीट की बात करें इसकी, तो सीट जो है वो सिंगल सीट है, यहाँ पे स्प्लिट सीट नहीं दी गई है, और टैंक का साइज पूरा का पूरा हिमालयन की तरह ही है। तो ये कुछ ऐसा, अगर मैं चलाऊंगा इस स्क्रैम्बल को तो ये कुछ ऐसा व्यू आएगा यहाँ पे। और बात करते हैं इसकी कंसोल की, तो कंसोल थोड़ा सा अलग है, मिटियोर से इंस्पायर्ड है, उससे थोड़ा सा अलग है, पता नहीं मिटियोर का तो मैंने देखा नहीं है। इसमें दिखा रहा है आपको टाइम, गियर शिफ्ट, ट्रिप और फ्यूल बता रहा है। ये अच्छी बात है कि फ्यूल इंडिकेटर है, सब कुछ डिजिटल है, और एनालॉग जो इसका स्पीडोमीटर है वो एनालॉग है जो स्पीड लिमिट बताता है। इसमें डेडिकेटेड हैजार्ड लाइट भी दी गई है। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो कि मेरा जो पैर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा का पूरा नीचे पहुँच रहा है, हिमालयन में मेरा नहीं पहुँचता है, 1-2 इंच से छूट जाता है। ओके, जो ये कंसोल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक बटन दी गई है राइट हैंड साइड में, वहाँ से चेंज होता है। और ये ट्रिप 1 को मान लो मुझे करना है 0, तो मैंने उसको दबा के रखा, वो जो बटन है वो है ये दिख रही होगी। हैंडल बार थोड़ा सा इंक्लाइंड है, हिमालयन का थोड़ा सा ज़्यादा है, 1-2 mm का फ़र्क होगा, और कुछ नहीं है, बोलना चाहिए तो हिमालयन की बेबी ही है, छोटी बेबी। ओके, तो जैसे कि बताया जा रहा है कि बाकी सब जो सामान है वो कस्टमाइज जब गाड़ी करवाओगे आप तभी मिलेगा, जैसे कि टैंक की ग्रिल हो गई, और यहाँ पे नेविगेशन बार हो गया, स्प्लिट सीट हो गई, ये सारी चीज़ें ना गाड़ी के मॉडिफिकेशन पे ही सब कुछ करवानी पड़ेगी, स्टॉक में कुछ भी नहीं आएगा। और जो टायर है वो हिमालयन का ही है, पीछे का टायर जो है वो है 120/90, तो पीछे के टायर में कोई भी बदलाव नहीं है, आगे के टायर में ही है।
और जैसे कि हिमालय में मास्टर सिलेंडर दिया जाता है, इसमें भी मास्टर सिलेंडर, तो गार्ड इसमें भी लगवाना पड़ेगा। मुझे भी अभी लगवाना है, अभी तक लगवाया नहीं हूँ। ब्रेक शू है बोलना चाहिए, जो माउंट है वो भी सेम हिमालयन का है। और इसमें जो फुटरेस है, राइडर फुटरेस, वो ये डिटैचेबल है, ये रबर निकल जाती है कि हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करने के लिए। और जैसे कि लाइट देख रहे हैं आप, इसमें ये है इसकी पार्किंग और ये वाइट है। गाड़ी चालू करना रेस। हाँ, तो जो लाइट है ना वो येल्लो ही है और ये थोड़ा सा फ्लैट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, पूरा कर्वी नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट है। और इसका जो ऊपर का गार्ड लग रहा है वो बहुत ही सुंदर है। और ये वो आई इन्फॉर्मेशन बटन है जहाँ से चेंज कर सकते हैं मीटर के सारे कंसोल। सर, आपको कैसा लगा स्क्रैम्बल लेके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कब से आप वेट कर रहे थे इस गाड़ी का? 3 महीने से मैं वेट कर रहा था। ओके, ड्रीम बाइक है। ओहो हो, बहुत ही अच्छी जच रही है आपके ऊपर, बहुत ही सुंदर लग रही है ना। तो आप कहाँ जाएंगे पहली राइड पे इस पे? अभी तो डिसाइड नहीं किया, लेकिन मेरा प्लान गोवा जाने का। हमारे साथ बरगी तक तो चल लो पहले। देखो, जस्ट जोकिंग, ये ओनर है यहाँ के और यही सब प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, वीडियो बनाने का, गाड़ी वगैरह और पार्ट्स वगैरह हमें यही अवेलेबल कराते हैं। तो आज इनको शौक लगा फोटो खिंचवाने का, तो फिर मस्त फोटो सेशन भी हो गया। तो कैसा लगा सर? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। चलो ना, तो किसी दिन राइड पे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, संडे की राइड पे चलते। ठीक है ठीक है, चलो। गियर्स भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आपके, मस्त बिल्कुल। गियर्स खाली गियर्स नहीं है, ये आपके लिए लाइफ सेवर है। सही बात है। अगर आप एक राइडर हो और आप एक मोटरसाइकिल का शौक रखते हो, जब आप 2-2.5 लाख खर्चा करते हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, सही बात, 10,000 रुपए आपके लिए लाइफ के, ये लाइफ सेवर है आपका। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस करते हो, आपका इंश्योरेंस क्या है? आपका इंश्योरेंस ये गियर्स है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात बोले सर। ये था छोटा सा फर्स्ट प्रीव्यू स्क्रैम्बल 411 का, और इसको मैं चला के दिखाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली अगले व्लॉग में, क्योंकि या जब भी दिखाऊंगा वो आपको इस व्लॉग के आई बटन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर बाद में देख रहे हैं तो। और अभी बस इतना ही था यहाँ तक का, और मिलते हैं फिर किसी छोटी सी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय 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 बाय।